हेलो स्टूडेंट्स, हुज का प्रयोग करना। हुज मीन्स किसका। यह बाइक किसकी है। हुज बाइक इज दिस। यह बाइक किसकी है। वह बाइक किसकी है। हुज बाइक इज दैट। वह बाइक किसकी है। हुज बाइक्स आर दीज। ये बाइक्स किसकी हैं। हुज बाइक्स आर दीज। वो बाइक्स किसकी हैं। हुज बाइक्स आर दोज। हम ये पूछना चाहते हैं कि यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दिस। यह किताब किसकी है। हुज बुक इज दैट। वह किताब किसकी है। हुज बुक इज दैट। हुज बुक्स आर दीज। ये किताबें किसकी हैं। हुज बुक्स आर दोज। वो किताबें किसकी हैं। हुज बुक्स आर दोज। वो किताबें किसकी हैं। हमें ये भी याद रखना होगा दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग और दीज का प्रयोग और दोज का प्रयोग हम कैसे करते हैं। दिस यह, दैट वह, दीज ये, दोज वो। दिस और दैट सिंगुलर हैं और दीज और दो प्लूरल हैं। दिस निकट की वस्तु के लिए और दैट दूर की वस्तु के लिए। दीज निकट की वस्तुओं के लिए, निकट की कई वस्तुओं के लिए, दो या दो से अधिक वस्तुओं के लिए दीज का प्रयोग, और दोज भी दो या दो से अधिक के लिए, दूर की वस्तुओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो हमने सीखा हुज का प्रयोग, जिसका अर्थ है किसका, किसकी। यह बाइक किसकी है। हुज बाइक इज दिस। यह बाइक किसकी है।